श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या संवर गई है। अयोध्या की गलियां रामलीला के मंच कथानक संवादों से गूंजने लगी है। दिवाली के अवसर पर आयोजित होने वाले मेगा दीपोत्सव के पहले राम की पैड़ी रोशनी लेजर शो से नहा उठी है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने का काम अंतिम चरण में है। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने छोटी दिवाली के दिन मेगा इवेंट के तौर पर दीपोत्सव की शुरुआत की थी। पहले संस्करण में रिकॉर्ड 1,87,000 दीपक जलाए गए थे। इस बार दिवाली पर 21,00,000 दीपक अयोध्या के घाटों पर जलाने के लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई है। तो वही दीपोत्सव में इस बार भारत के लोक संस्कृति की झलक भी दिखेगी, जिसमें 24 राज्यों के करीब 2,500 कलाकार अपनी संस्कृति की छटा बिखेरेंगे। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के तौर पर विकसित करने के लिए बहुत सारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। शहर को पूरी उसकी कायाकल्प किया जा रहा है शहर का। साथ ही साथ जो है जो सरयू नदी के घाट पर प्रतिवर्ष हम लोग एक भव्य दीपोत्सव आयोजित करते हैं, इस वर्ष भी 21,00,000 दिए जो मिट्टी के बने हुए दिए हैं उनको प्रज्वलित करके दीपोत्सव का एक विश्व कीर्तिमान खड़ा करने का हमने टारगेट रखा हुआ है और इस वर्ष भी उसे हम लोग करके दिखाएंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पे देश विदेशों की रामलीलाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अनवरत वो भी चलाते रहेंगे हम होली दहन तक के, और ये होलिकोत्सव तक के जो ये प्रतिदिन कार्यक्रम होंगे उसमें राम कथा होगी, उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और साथ ही साथ रामलीलाएं भी आयोजित होंगी। और पूरे के पूरे अगर कार्यक्रम को आप ये देखें तो कैसे हम देश से विदेश से पर्यटकों को यहाँ आकर्षित कर सकते हैं, इसको लेकर के काफ़ी हम काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में भगवान राम की नगरी अयोध्या रोशनी से नहाई हुई है, जिसे लेकर लेजर शो और लोक संस्कृति कार्यक्रम का रिहर्सल किया गया। भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित कथा के अनुसार लेजर लाइट शो का प्रदर्शन किया गया। दिवाली से पहले राम नगरी अयोध्या रोशनी से सराबोर है और सतरंगी रोशनी में नहाई अयोध्या की रौनक देखते ही बन रही है।